आज श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए तीसरे T20I मुकाबले के आखिरी ओवर में जहां श्रीलंका को मात्र 6 रन चाहिए थे, वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जहां आखिरी ओवर डालकर भारत को इस मैच में जीत दिलाई, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। पहले तो सिराज को गेंद थमाकर जहां सूर्य कुमार यादव ने लास्ट मिनट पर खुद गेंद हाथ में ली, उसका मैजिक तो हमें पहली गेंद पर देखने मिला। उसके बाद दूसरी गेंद पर जहां सूर्य कुमार यादव ने कमिंदो मेंडिस को इस गेंद पर बड़ा शॉट मारते हुए रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाया। इसी के साथ कप्तान सूर्या ने T20 इंटरनेशनल में अपनी पहली विकेट अपने नाम की। अब चाहिए श्रीलंका को 4 गेंद पर 6 रन। और क्रीज पर नए बल्लेबाज आए महेश टिक्षणा अपनी पहली ही गेंद खेलते हुए यह सूर्य कुमार यादव की शानदार गेंद पर बल्ले का किनारा देकर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट हो गए। अब यह मैच श्रीलंका की झोली से निकलकर भारत की ओर भी आ रहा था। वहीं कप्तान सूर्या ने अपने ओवर की यह चौथी गेंद एक और शानदार गेंद डाली और इस गेंद पर मात्र 1 ही रन आया। अब श्रीलंका को चाहिए थे 2 गेंद पर 5 रन। अब रोमांच पूरा बढ़ता ही जा रहा था सूर्य कुमार यादव की यह 5वीं गेंद पर, जहां विक्रमा सिंघे ने शानदार शॉट खेला तो यहां पर मात्र 1 ही रन बनता था। लेकिन सूर्या की यहां पर थोड़ी खराब जजमेंट के कारण श्रीलंका को 2 रन मिल गए और अब पूरा मैच चला गया आखिरी गेंद पर, जहां आखिरी गेंद पर श्रीलंका को 3 रन की जरूरत थी। अब धड़कने बढ़ चुकी थी सूर्य कुमार यादव की है आखिरी गेंद, विक्रमा सिंघे का यह लॉन्ग ऑफ की ओर शानदार शॉट और वहीं शिवम दुबे का थोड़ा खराब थ्रो, जिसकी वजह से यहां पर श्रीलंका की यह बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए और यह मैच टाई हो गया। जी हां दोस्तों, एक वक्त पर जहां श्रीलंका को 30 गेंद पर मात्र 30 रन चाहिए थे, वहीं सूर्या के शानदार ओवर की बदौलत यह मैच टाई हुआ और अंत में सुपर ओवर में भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम किया।